दोस्तों नमस्कार। आज 2 जनवरी न्यू ईयर का, हैप्पी न्यू ईयर सबको पहले, वो मैंने बोला नहीं। और 2nd डे है आज, और ओटेगो वुड्स और ऑकलैंड का मेन में मैच था अभी सुबह 6:10 पे। और नंबर है 6378169642। दोस्तों ये जो मैच रहा, अभी हम ये पोस्ट मैच एनालिसिस बना रहे हैं। ये मैच हो चुका है, हमारे अपडेट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी काम करती है, किस तरीके से हमारे अपडेट आते हैं, कैसे टाइम बेस्ड इवेंट होता है, कैसे स्क्रिप्ट चलती है। ये दोस्तों, ये हाउ केपी एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स वर्क्स एंड ज्योतिष कैसे काम करता है, ये बताएंगे आपको। ये मैच जो है अभी हो चुका है, ये ओकलैंड और ओटेगो वुड्स का आज सुबह 6 बजे था, ये टाई हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं के पी एस्ट्रोलॉजी के, वो कैसे चलते हैं। वी रिवील टुडे दैट हाउ द के पी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स एंड हाउ द एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स रन इन थ्रू आउट द मैच, हाउ वी कैन डिसाइड व्हेन द टाइम विल कम अप और व्हेन द टाइम विल गोज आउट एंड व्हेन द टीम विल कम फेवरेट और नॉन फेवरेट और विनर और विकेट, वट एवर यू कैन एनालाइज बाय ओन बाय द यूज ऑफ के पी एस्ट्रोलॉजिकल मैथड्स। लर्नर्स, एस्पेरेंट्स, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजिकल लर्नर्स, एस्पेरेंट्स कैन कॉन्टेक्ट अस, वी हैव गिवन अवर नंबर्स। एंड एज वेल एज आफ्टर द पोस्ट मैच एनालिसिस वी ऑल्सो राइट इन अवर फाइल एंड द मैनी कॉन्सेप्ट्स आर रनिंग इन थ्रू आउट द मैच। पीपल थिंकिंग दैट द मैच आर फिक्स्ड, लोग सोचते हैं मैच फिक्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो ये 6378169642 हमारा नंबर है, हम आपको बता रहे हैं कि आज हमने क्या दिया था, हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट जो रन करते हैं, वो मैं आपको बताऊँ किस तरीके से रन करते हैं। तो चलते हैं अपन। तो दोस्तों ये सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा जो अपडेट था, जो हमारा अपडेट था फर्स्ट अपडेट जो हमारा था यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को, वो क्या था ये अपडेट। देखिए ये हमारी स्क्रिप्ट है, ये रात को 12:11 पे भेज दी हमने, मैन स्मैश पेज 1। और हमने ये क्या लिखा है, स्टे ऑन ASC, ASC करें, लुकिंग टफ टाइम, ये थोड़ा शेड लो हो गया है। ये हम आपको बता दें, स्मैश मैन ओटेगो वर्सेस ऑकलैंड स्क्रिप्ट January 2, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। ये थोड़ा शेड लो हो गया है, ये मैं आपको बताऊँ, ये 9:04 आपको दिखाई दे रहा होगा, 9:04 PM IST, बियॉन्ड इफ मैच गोज बियॉन्ड, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हमने ये स्क्रिप्ट रन करवाई है। दोस्तों ये जो तीसरा अपडेट जो हमारा गया, स्क्रिप्ट तो गई, उसके बाद हमने पहले अपडेट दिया सुबह कि ओटेगो विन लो, ठीक है। हमने कहा ली ऑटेगोविन, ऑटेगोविन पे जाना है अपन को। और इनिंग अपडेट में हमने क्या दिया, मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे कि इनिंग अपडेट में हमने जो एनालिसिस दिया वो दिया था रिड्यूस लॉस एट दिस टाइम, DSC विल कम हाई। उससे पहले मैं आपको बता दूं, DSC हमने जो लिया था, हमने मैं आपको बताऊं, पहले हमने जो दिया था उसमें हमने ASC DSC लिखा है कि ASC कौन है और DSC कौन है, हमने बता दिया था इसमें, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से ASC ओटेगो था। हमने रिड्यूस लॉस करने को कहा, देन अगेन गो विद द ओटेगो, लेट बी बोथ साइड एंड बिग ऑन ऑकलैंड विन बियॉन्ड 9:04, 9:04 के बाद ऑकलैंड पे रहना था, ऑकलैंड चांसेस आर हाई। ये 7:58 पे इनिंग ब्रेक में हमने अपडेट दिया था, ASC ओटेगो और DSC ऑकलैंड था, ठीक है दोस्तों। बास्केट में आपको बता दूं कि शुरुआत में जो टाइम था वो ASC का ही था। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये हमने अपडेट दिया था, ये सबसे स्ट्रांग अपडेट, इस तरह का अपडेट आपको केपी एस्ट्रोलॉजी दे सकती है। फ्रॉम हेयर ओटेगो मस्ट कम सेम ऑड्स टिल 9:10। ये जो हमारा 8:27 पे मैसेज था, उस समय ऑकलैंड फेवरेट थी 62-63 होगी। उसके बाद 10 मिनट ही हुए होंगे दोस्तों, ये 10 मिनट होते ही हमारे 58-59 आ गया था, हमने खेल लिया था बॉम।
तो ये 8/27 का ही है, 8/36 का ही है। हमारे अपडेट इस तरीके से ही आते हैं कि ओटैबो फेवरेट आ जाएगा यहाँ से। और दोस्तों उसके बाद हमने जो अपडेट दिया उसके बाद भी हमारे अपडेट कम नहीं हुए थे। हमने फाइनल विनर यहाँ पे ऑकलैंड बोल दिया था, ऑकलैंड विल विन फ्रॉम हियर, वो भी हमने दोस्तों यहाँ पे हमने ओटैबो 38-40 था तब हमने कह दिया ओटैबो यहाँ से ऑकलैंड यहाँ से जीतेगा। तो मैच टाई हुआ है, मगर बात है दोस्तों कि यहाँ पर हम यहाँ पे जो बताते हैं, जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम करता है हर मैच। टाई हो गया मगर अपडेट हमारे सही रहे और विनर हमारा नहीं रहा, टाई हो गया। तो दोस्तों ये जो रन करती है एस्ट्रोलॉजी, ये इस तरीके से रन करती है। आपको अगर इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी केपी एस्पिरेंट्स हो, उसको सीखनी हो, या कोई भी असिस्टेंस ड्यूरिंग मैच चाहिए आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें, और हम आपको अपडेट देंगे। BBL, आगे आने वाली यूनाइटेड अरब अमीरात लीग, साउथ अफ्रीकन लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, सुपर स्मैश, BBL, इंटरनेशनल टूर्स, सारी स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप हमसे एक कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं दोस्तों, नंबर पर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।